वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग BCA रिवाइज टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 BCA 053 वेब प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सिंपल HTML पर बेस्ड है ना। और आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिलेक्ट एलिमेंट इन HTML और एक्सप्लेन हाउ यू विल डिस्प्ले द फॉलोइंग लिस्ट इन HTML। तो सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट एलिमेंट का पर्पस बताना है, HTML में क्यों यूज करते हैं। फिर साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन भी करना है कि कैसे आप ये नीचे दी गई HTML में जो लिस्ट है उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो देखिए, पहले तो हम आपको बता दें कि सिलेक्ट का पर्पस क्या होता है। सिलेक्ट का पर्पस होता है कि आप ताकि ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकें, है ना, ताकि आपको चॉइस मिल जाए उस लिस्ट में से किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने की, है ना। तो सिलेक्ट का मेन पर्पस ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए होता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हम इसको कैसे डिस्प्ले कराएंगे। तो इसके लिए हम सीधे आपको कोडिंग सेक्शन में ले चलते हैं, जहाँ पर हम लोग इस पेज की कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइल को कुछ नाम दे देते हैं, सपोज सिलेक्ट डॉट HTML, है ना। और जैसे ही आप एच प्रेस करेंगे तो ये आपको पूरा एक टेम्पलेट बना के दे देगा। और अब आप यहाँ पर टाइटल लिखना चाहें टाइटल लिख सकते हैं, डेमो ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए जो आपको टेक्स्ट दिया गया था वो आप टाइप कर लेंगे, फिर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो आप यहां पर सिलेक्ट एलिमेंट का यूज करेंगे, है ना। और सिलेक्ट में आप ऑप्शंस का यूज करेंगे, जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए थे। तो जो पहला ऑप्शन था वो आपका 10th का था, है ना। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिर चेंज कर देंगे। और दूसरा ऑप्शन जो था तो वो आपका 10+2 का था, तो यहाँ पर 10+2। और तीसरा आपका ग्रेजुएशन का था, ठीक है। ये तीन ऑप्शंस थे। पहले तो सेव कर लीजिए, फिर उसको रन कराइए राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर में। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई आपकी, है ना, जिसमें आपके तीन ऑप्शंस हैं सिलेक्ट करने के लिए, 10th, 10+2 और ग्रेजुएशन, है ना, जैसा कि आपसे बोला गया था, 10th, 10+2 और ग्रेजुएशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बना लेते हैं। सपोज हम क्या करते हैं, इसको एक डिप सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और आईडी दे देते हैं, सपोज एस, है ना, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। और यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं। अब इस पर कुछ स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं, अब आईडी है तो हैश से टारगेट की जाएगी, है ना, तो हैश एस। देखिए, एक चीज़ आपको हम बता दें कि जैसे कि यहाँ पर आपको 10th दिखाई दे रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो इसमें पहला एलिमेंट है, पहला आइटम है, वही 10th है। लेकिन अगर इन केस कभी आपको इसके अलावा किसी आइटम को, फर्स्ट आइटम के अलावा किसी और आइटम को यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में दिखाना हो, तब आप उसके लिए क्या यूज़ करते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन को डिफ़ॉल्ट में दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिलेक्टेड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपका 10th आ रहा था, अब यहाँ पर ग्रेजुएशन आने लगेगा डिफ़ॉल्ट, है ना, तो ये ध्यान रखिए। तो वहाँ पे तो हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा पहला ऑप्शन ही हमें डिस्प्ले कराना था। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसमें हाइट दे देते हैं 350, फिर विड्थ भी दे देते हैं 550 सपोज, फिर बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं लाइट ब्लू, फिर बॉर्डर भी लगा देते हैं, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, है ना, बॉर्डर का कलर भी दे देते हैं,
ब्लू कर देते हैं, है ना, ये आपकी चॉइस है, जैसा भी आप रखना चाहें। फिर देखिए अभी फॉन्ट बहुत छोटा आ रहा है ना, तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर फॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी लगा देते हैं और साइज़ कर लेते हैं सपोज 35 पिक्सल। फिर देखिए अभी ये क्या है, बिल्कुल टॉप से और लेफ्ट से बिल्कुल सटा हुआ है। हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं, ठीक है, और टॉप से थोड़ी डिस्टेंस बनाना चाहते हैं, और इसके चारों तरफ जो बॉर्डर लगेगा और उसके बाद जो कंटेंट होंगे उसमें भी मार्जिन देना चाहते हैं, है ना, इतना काम हम करना चाहते हैं ताकि कुछ इस तरीके से दिखने लगे, है ना। देखिए बॉर्डर से थोड़ा सा नीचे है ना, और सेंटर में है। तो पहले तो इतना सेव करके देख लीजिए कितना आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो देखिए इतना तो आपका काम हो गया, फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया, है ना, और बैकग्राउंड कलर भी लग गया और बॉर्डर भी लग गया और बॉर्डर पे कलर भी लग गया, है ना। अब इसको सेंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे सेंटर लगा देते हैं, ठीक है। अब जितना भी पार्ट होगा वो देखिए सेंटर में हो जाएगा आपका, है ना। अब बची बात यहाँ पर मार्जिन की, तो मार्जिन सपोज हम यहाँ पर दे देते हैं 10 पिक्सल, और पैडिंग सपोज 30 पिक्सल दे देते हैं, या मार्जिन 20 पिक्सल कर लीजिए, है ना, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। सेव कर लीजिए और अब इसको रन कराइए। तो देखिए टॉप से भी डाउन हो गया और बॉर्डर से जो कंटेंट की डिस्टेंस थी वो भी थोड़ी सी बढ़ गई, है ना, पैडिंग उसमें बढ़ा दी गई। तो इस तरीके से आपकी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाती है सिलेक्ट के थ्रू, है ना। आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।